Hey guys, good morning, welcome back to my channel. तो बस आप लोग को दिख ही रहा होगा, मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ और जल्दी से सबसे पहले जाके पीती हूँ गर्म पानी. और गर्म पानी ऐसे नहीं कि मैंने डाइट जब से स्टार्ट करी है तभी से शुरू करा हो, मैंने गर्म पानी काफ़ी टाइम से, मतलब मैं शुरू से पीती हूँ गर्म पानी सुबह उठते. तो पी लेते हैं हम फटाफट से पानी, फिर करेंगे नाश्ता और फिर जो उतरेगा आपको दिखाते रहेंगे. देखिए माशाल्लाह हमारे पेड़ों पे फूल निकलने शुरू हो गए हैं और जब हम लाए थे तो ये ऐसी कलियां थी और अब देखिए, और सेकंड वाला देखिए माशाल्लाह से. यहाँ मैंने अपने लिए एग बनाए थे दो और मेरी नाकाम कोशिश रही, एक थोड़ा सा खराब हो गया और एक परफेक्ट बन गया. जब तक चाय इतनी फुल ना हो मुझे मजा नहीं आता, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं आता. ज्योति ज्योति हमारी रूम में, ज्योति बेबी आई हुई हमारी रूम में. तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मुझे कुछ काम है, मतलब कुछ शॉपिंग नहीं करनी पर हाँ कुछ छोटा कुछ लेना है. तो मैं जब लेके आऊँगी तो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेने जा रही हूँ. तो मैं ये लेकर आई हूँ नाइट सूट और ये लोवर लिया मैंने, इसमें अच्छा सा कलर आ नहीं पा रहा है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा कलर है, लाइट पीच पिंक लाइट ब्लू, इसमें थोड़ा डार्क डार्क सा टाइप लग रहा है पर ये बहुत प्यारा कलर है. तो मन था मैं और ले लूँ पर अभी सर्दी जाने वाली है तो इसलिए कि मैंने कम ले लिए. नाम पीने लग रहे हैं चाय एज यूजुअल, चिनप्पी का छोटा है, मेरा बड़ा कप है और ये कुछ टेस्टी सी चीज़ें बनाई हैं आंटी ने, इनको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली होती स्वीट है कुछ और इनको बोलते हैं कूडे, ये मीठे होते हैं, इनमें फुल ड्राई फ्रूट भरे हुए होते हैं. और ये मेरी गोद में शोनी नोनी, हाय बोलो हाय बोलो, मैं इनसे ज़बरदस्ती हाय बुलवाती रहती हूँ. फिर जलाने लगी हूँ आग, बताती हूँ आपको क्यों और किस लिए. तो आज हम फिर करने लगे हैं चिकन को रोस्ट और ये है अफगानी स्टाइल चिकन कर रहे हैं आज हम डिफरेंट, इसलिए मैंने आग जलाई थी. और ये कुछ डिफरेंट है, हम लोग वही ना कि हम लोग जो है डाइट पे हैं तो हमसे अभी कुछ खास पूछ नहीं खाया जा रहा, तो हम अभी फ़िलहाल इसी से ही कर रहे हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी हमें. इसने हम लोग ने पराठे भी, मतलब पराठे नहीं कहेंगे, हमने वैसी वाली रोटियां बना के रख रखी हैं थोड़ी मैदे की हैं और हम शावरमा के लिए उसके अंदर इसको, मतलब उसकी फिलिंग करके और सब लगा कर इससे खाएंगे. ये मैंने खूब अच्छे टेस्टी से प्याज काटी हैं, इन्हें बोलते हैं लच्छे वाले प्याज. बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का पर मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है और मेरी डाइटिंग जो मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ, तो वो बिल्कुल भी मुझे उसको चकना चूर करने का पूरा यहाँ पे वो बनाया गया है, मुजस्समा जिसे कहते हैं ना, एक मुजस्समा जिसे कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही नहीं, तो पूरी वो जद्दोजहद यहाँ हुई हुई है कि उसे ख़त्म किया जाए. और ना मतलब मुझे गुलाब जामुन ले खिलाने लेके जाया जा रहा है जबरदस्ती. गुलाब जामुन इसके अंदर छुपे हुए, मतलब गुलाब जामुन है ना आपके, तो हम कभी पतले नहीं हो सकते, कभी भी पतले, हम कभी जिंदगी में पतले नहीं हो सकते. ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक बड़े उसमें दे देंगे गुलाब जामुन का साइज, देखिए कितना बड़ा है आप. नहीं ये इनको बड़ा, मैंने तो फिर भी गुलाब जामुन लिया है. वहाँ देखिए कहाँ क्या हो रहा है, जहाँ शुरू हुआ था कि हम लोग को डाइटिंग करनी है, सामान लाना है. यार इसमें डाल देना एक वनीला आइसक्रीम.
तो हम आ गए हैं घर 4 दिन की राइड को बर्बाद करते हुए, और खा भी आए ले भी आए। तो आके मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत दिल था तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली। इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।